माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि छोटे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट कैसे क्लियर करें, जो वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो कैसे छोटे बच्चों को हम समझाएं कि होता क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, सबसे पहले 2 × 2, ये जो साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का, ये बच्चे को आप समझाएंगे कि ये थोड़ा प्लस जैसा होता है लेकिन ये क्रॉस होता है, तो इसलिए प्लस और मल्टीप्लिकेशन के साइन में फ़र्क क्या होता है वो बताना है। प्लस का साइन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और ये प्लस का साइन होता है, तो दोनों में डिफरेंस जो है बच्चे को समझाना है। ये 2 × 2 मतलब 2 × 2। अब इसको कैसे समझ में आएगा कि क्या करना है, जैसे एडिशन हमने सिखा दिया बच्चों को कि 2 + 2 क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है, जो वन क्लास में मल्टीप्लिकेशन शुरू शुरू सीखते हैं, तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि ये 2 है मीन्स अ 2 × 2 मतलब 2 के 2 ग्रुप बनाने हैं हमें। जैसे 2 सर्किल मैंने बना दिया, ये 1 ग्रुप हो गया, इसी तरह के 2 ग्रुप बनाने हैं, 2। ये 2 जो हो गया इसका 1 ग्रुप, 2 के 2 ग्रुप बनाने हैं, 2 × अब इसको क्या करना है, 2 × 2 तो 2 ग्रुप हमने बनाए, इसको काउंट करना है और जो आंसर आएगा 4। अब जैसे 2 × 3 मतलब 2 के हम कितने ग्रुप बनाएंगे, 3, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। अब यहाँ पे इसको फिर काउंट कर देना है, मतलब ऐड कर देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 6। तो मल्टीप्लिकेशन में ये 6 हो जाएगा, जबकि एडिशन हम जब करते हैं तो ये 5 होता है। इसको हम 2 और 3 को काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं मतलब कि जो 2 का ग्रुप है वो 3 टाइम्स आएगा। तो इस तरह से बच्चे को आप बेसिक समझा सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ये बाद में जाके ये चीज़ें क्लियर हो जाती है जब बड़े क्लास में जाएंगे, लेकिन शुरू में आप 1 क्लास के बच्चों को इस तरह से, और सबसे अच्छा है कि उन्हें टेबल लर्न कराएं। अगर वो टेबल उन्हें आता है तो मल्टीप्लिकेशन, वो 1 से 10 तक के टेबल अगर उन्हें आप लर्न कराते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन बेसिक जो क्या होता है वो इस तरह से आप समझा सकते हैं, जैसे 4 × 2, अब ये कितना होगा। अब इसमें ये चीज़ समझाना, जैसे 4 है तो हमें पहले 4 के 1 ग्रुप बनाने हैं, और यहाँ पे जो भी नंबर है हमें उतने ग्रुप बनाने होंगे 4 के। तो यहाँ पे 4 × 2 है तो 4 के 2 ग्रुप बनाने हैं हमें। अब यहाँ पे इसको ऐड करके कितना आ जाएगा, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 आ जाएगा। ये स्मॉल नंबर के लिए, आप 1 डिजिट नंबर के लिए आप करवा सकते हैं उनको, और उनको इजली ये समझ में भी आएगा और वो आराम से कर पाएंगे। और उनको टेबल लर्न कराएं जो फर्दर जो आगे की बड़े डिजिट जो आते हैं 2 डिजिट में आएगा, इसके लिए वो टेबल लर्न करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। शुरू के लिए समझाने के लिए उनके बहुत ही अच्छा है किस तरह से आप उनको मल्टीप्लिकेशन समझा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।